बुधनी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। आज पटेल कॉम्प्लेक्स परिसर में कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए, जिसमें पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल शर्मा, सुरेश सेठी, देवी सिंह थारोल सहित क्षेत्र की कई नामी हस्तियां मौजूद रही। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान किया। बता दें, कई कांग्रेसी नेताओं के साथ नगर के पटेल परिसर में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण के साथ फीता काट कर किया गया। इस पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भेरूदा से चंपालाल केवट की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव चुनाव होता है और चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाना चाहिए, तो हम बहुत गंभीरता से चुनाव को ले रहे हैं, क्योंकि हम भी इस बात को जानते हैं कि चुनौती बड़ी है, लेकिन चुनाव में असंभव कुछ नहीं होता, ये लोकतंत्र की खुशबू है। तो हम लोग पूरा प्रयास करके यहाँ कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए हमने सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया है और उनकी जिम्मेदारियों का बयान आया, जिसमें बोला है कि देखिए, बुद्धि विधानसभा में विकास की लगाने का काम तो कांग्रेस ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ पर तय नहीं किया है। जितनी ईंटों की शुरुआत हुई वो हमने लगाई है, चाहे कोलर का बांध हो, चाहे सरजनपुर के माता जी का मंदिर हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, तो ईंट लगाने का काम तो कांग्रेस करती है। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया वो ईंटों की वैल्यू क्या जाने।